हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी टेंट हाउस एंड डीजे साउंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस टेंट का न्यू वर्जन सार्पी एटॉमिक V2 और इसके लैंप ऑन ऑफ प्रॉब्लम को हम बताएंगे। अपने इस टेंट सार्पी की अनबॉक्सिंग और आपको बताते हैं इसके ऑन ऑफ प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। तो आइए हम करते हैं अपने इस टेंट सार्पी की अनबॉक्सिंग और बताते हैं आपको ऑन ऑफ प्रॉब्लम का सलूशन। और ये सार्पी आजकल हमारे मार्केट में इसका प्राइस लगभग है 55,000। हमारे गोरखपुर रेती मार्केट में हम तो 54,000 में लिए थे इसको, बट अभी मार्केट का दाम ऊपर नीचे होते रहता है तो इस समय का हम नहीं बता सकते हैं, बट दो महीने पहले 54,000 था। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है हमारा स्टैंड 7R सार्पी न्यू वर्जन एटॉमिक V2 का, और अब हम इसमें पावर देते हैं और आपको बताते हैं इसके लैंप ऑन ऑफ प्रॉब्लम। इसको पावर देते हैं और हमने लगा के स्विच ऑन कर दिया है और हमारा सार्पी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें एक मिनट लगेगा प्रोसेसिंग करने में। प्रोसेसिंग हो रहा है इसका, और प्रोसेसिंग बस होने ही वाला है। एक मिनट लगता है इसका प्रोसेसिंग होने में, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड, और प्रोसेसिंग हो गया कंप्लीट। आते हैं हम, फर्स्ट टाइम हम डालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पांच बटन दिए हैं और इसमें से हम ओके वाले को फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे। देखिए, हम क्लिक करते हैं ओके बटन और यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए, सेटअप, रन मोड, मैनुअल, डिस्प्ले, फैक्ट्री, रिटर्न। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर पर जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर सेटअप, फिर सेकेंड पे जाते हैं रन मोड, फिर थर्ड पे जाते हैं मैनुअल, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे जाएंगे दोस्तों, और हम मैनुअल पे जाके ओके का बटन दबाएंगे। देखिए, एक बार हम दबा रहे हैं ओके का बटन। उसके बाद हम लोग देखिए ऑप्शन आता है ऊपर, रीसेट का ऑप्शन आएगा, लैंप कंट्रोलर, कलर व्हील, स्टॉप एंड स्ट्रोबी का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रीमर है, गोगो है, सब है। हमको जाना है लैंप कंट्रोलर पे, तो नीचे एक बार क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, नीचे जो मार्क दिया है, एक बार नीचे आएँ और इसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही देखिए ग्रीन हो जाएगा जो ऑफ लिखा है। ये देखिए, ध्यान से जूम करिए इसको ज़रा, एक ग्रीन हो जाएगा ओके क्लिक करते हुए। देखिए, ओके क्लिक करते हुए ग्रीन हो गया। और उसके बाद हम इसमें जो ऊपर नीचे का बटन है, देखिए अप डाउन का, इसमें से कोई बटन आप चूज कर सकते हैं। देखिए, डाउन का बटन क्लिक किए, ऑन हो गया, ग्रीन वाला ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न, फिर ओके के बटन को दबाएंगे। देखिए, ओके बटन दाब दिए, अब इसका लैंप ऑन हो चुका है दोस्तों। और फिर हम देखिए, फिर हम रिटर्न जाएंगे, तो आप यहाँ ऑप्शन में ऐसे भी जा सकते हैं, कलर व्हील जैसे नीचे देखिए डाउन का बटन दाबेंगे नीचे जाएंगे, बट हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, तुरंत यहाँ लैंप कंट्रोलर से ऊपर वाला बटन दाबेंगे, अप वाला दो बार दाबेंगे आप, रिसेट पे गए एक बार और दाबेंगे, रिटर्न पे आ जाएंगे तुरंत आप, जल्दी में। जैसे कि साइड पर बहुत जल्दी होता है हम लोग को, जल्दीबाजी में लैंप ऑन करना था, तो तुरंत लाने का रिटर्न पर तरीका, रिटर्न पर तुरंत आएंगे, दो बार दाब कर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। देखिए, इसका लैंप जल गया क्योंकि इसको मैं लैंप ऑन ऑफ करके बताया हूँ। और फिर हम लोग फिर यहाँ हमको रिटर्न पे जाना है, लैंप ऑन ऑफ को ऑन हो गया है, और रिटर्न फिर हम जाएंगे ऊपर, तीन ऑप्शन नीचे आते हैं, तीन ऑप्शन ऊपर जाएंगे। फिर देखिए, हम जा रहे हैं मैनुअल से रन मोड, रन मोड का सेटअप पे, सेटअप से फिर एक बार ऊपर दाबेंगे, रिटर्न मोड आ जाएगा। देखिए, रिटर्न आ गया, और फिर रिटर्न पे क्लिक करेंगे हम, पहले आ जाएंगे ऑटो मोड, 001 आ गया, लैंप जल रहा है, ऑटो मोड 4 पे चल रहा है दोस्तों। आप DMX पे भी ऐसे चला सकते हैं, इसी तरह आप लैंप जला सकते हैं। थैंक यू।